अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों के साथ में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, जो अब खत्म हुई है। मंडलम सेक्टर कमेटी को लेकर बैठक में चर्चा हुई, मिशन 2023 की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर पर यह अहम बैठक चल रही थी। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। बैठक कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के जो मंडलम सेक्टर प्रभारी एनपी प्रजापति ने भी जानकारी दी। मंडलम सेक्टर और बूथ लेवल की तैयारी की जानकारी दी गई। कमलनाथ ने बैठक में 96 सीटों पर हुए सर्वे की जानकारी ली है। 65 सीटों पर वर्तमान स्थिति को लेकर भी कमलनाथ ने बातचीत की है। मुख्य मुद्दे जो है वो ये है कि जिस तरीके से बिजली के कारण मध्य प्रदेश में लोग परेशान हैं, तो विस्तार से आपको पूर्व हमारे मंत्री महोदय इस विभाग के रहे हैं प्रीवर जी बताएंगे। मुख्य मुद्दा रहा किसानों के साथ जो जिस प्रकार से परेशानियां बढ़ रही हैं, खाद महंगा हो रहा है, बीज महंगा हो रहा है, बिजली कम मिल रही है, बढ़कर बिल आ रहे हैं और उसकी फसल के उचित दाम उसको नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बाकी विद्य पूरे हिंदुस्तान में, और मध्य प्रदेश में तो पिछले एक वर्ष में 3,30,00,000 नए बेरोजगार इस सूची में जुड़ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, जगह जगह आप देख रहे हैं, रोज टेंशन का माहौल प्रदेश में बन रहा है, उसके ऊपर भी कांग्रेस आंदोलन करे। और इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल सीधे जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। दिनेश, महत्वपूर्ण बैठक थी, बैठक जब शुरू हुई तब भी हम चर्चा कर रहे थे कि कितनी महत्वपूर्ण है और 2023 का तो एजेंडा रहेगा ही, साथ ही और भी कई और महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। अब बैठक खत्म हो गई है, ब्रीफ भी हुआ है, लेकिन बैठक के भीतर क्या कुछ खास रहा, क्या जानकारी निकल के आ रही है दिनेश? जी देखिए, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी है, आज फिर से एक बार बैठक आयोजित की गई थी जिसमें पूर्व अध्यक्ष जो है कांग्रेस कमेटी के वो शामिल थे। इस बैठक में पूर्व मंत्री जो कमलनाथ सरकार में कमलनाथ के सहयोगी थे वो उपस्थित थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया वो उपस्थित थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह वो उपस्थित थे, और जिन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर बात की जाए, ये मिशन 2023 को लेकर जो कांग्रेस रणनीति तैयार कर रही है, जिन मुद्दों पर उन्हें चुनाव में जाना है, उन मुद्दों को लेकर लगातार कमलनाथ फीडबैक ले रहे हैं और लगातार जो बैठकों में इन नेताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको जो ग्रोस जो लेवल तक उनको कैसे पहुंचाना है, कैसे कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है और कैसे उनको मैदान में बीजेपी से मुकाबला करना है, उसको लेकर तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए तो कांग्रेस के जो संगठन है उसे मजबूत करने की बात चल रही है। आज बैठक में जो अंदरूनी खबर निकल के आई वो ये हुआ कि जो मंडलम सेक्टर और बूथ स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी और जो लोगों की नियुक्ति होनी थी उस पर जो कार्यकारिणी बननी थी उसको लेकर चर्चा हुई। कितने सेक्टर और बूथों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनका पुनर्गठन होना है, उसको लेकर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ जो बात निकल के सामने आज जब बैठक खत्म हुई कि किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि उन्होंने अपने सरकार के दौरान जिस प्रकार से कर्ज माफी की थी उसको लेकर विधानसभा में कई बार हंगामा हो चुका है, उसको लेकर सरकार से सवाल पूछे जा चुके हैं। वहीं आज जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सचिन यादव, उन्होंने भी प्रेस वार्ता की थी कि किसानों के साथ किस तरह का अन्याय जो है प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो किसान है वो उनकी फसल तो खरीदी जा रही है लेकिन उनको जो भुगतान जो है वो महीनों महीनों नहीं किया जा रहा, जिस सरकार का ये वादा था कि 30 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण अलग अलग विषयों पर चर्चा की गई, आगे आने वाले समय के साथ साथ मंडलम जो एक व्यवस्था बनाई गई है